Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, आज बिग बॉस 12 के एपिसोड में वीकेंड का वार में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय आज रहेगा हमारी एपिसोड में, हमारे टीम के बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं कुछ भी ना बोलूं आज इस एपिसोड के बारे में, यानी कि शुरुआत में कुछ ना बोलूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम इस चीज को लीड करे। तो कौन लीड करेगा आज? आप लोगों में से कोई भी शुरुआत कर सकता है। यार, मैं तो आज ये सोच रहा था कि सलमान खान जो है सबसे पहले सुरभि राणा की लेगा क्लास। ओए तू यार, गुलाटी ज्यादा समझदार है। मैं बोल रहा था में। हाँ, अपनी टांग अभी शुरू में मत फंसाएगा, मेरा फोकस टूट जाता है। मुझे बड़ा मजा आया आज गुलाटी साहब को पापा तो। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में आपका भी नंबर आएगा मैडम जी। मेरा नंबर आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत। यार अब आप लोग मेरे को बात करने दोगे कि नहीं करने? अच्छा, दोगे? एक मिनट बाबा, तो आपको बात करने दीजिए। बाबा तो अपने बात शुरू की है, मैंने बोला था जो भी शुरुआत। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को बिग बॉस बना दिया है आप लोगों ने। रिकॉर्डिंग करो लेकिन बिग बॉस नाम स्टूडियो का तो ना कम से कम बताओ यार। बाबा तो आगे बढ़िए ना, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं मैडम भूल जाता हूँ, उम्र तक उम्र का तकाजा आपको पता है। खबरदार, आपने बोला, चुप रहो। आई एम सॉरी। यस यू शुड बी। ओके, शुरू करो बाबा। अच्छा यार, कहाँ पे था मैं? बाबा तो आप बात कर रहे थे वो सुरभि राणा और सलमान खान। हाँ यार, मुझे लगता था कि सलमान खान जो है सुरभि राणा की बदतमीजियों की गिनाएगा कि क्लास लेगा, लेकिन वो तो उल्टा ही उसने सेलिब्रिटीज को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सेलिब्रिटीज को कटघरे में खड़ा करके भी उसने अच्छा किया, उसने उनको बताया कि उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि भाई आप लोगों को जेल यात्रा क्यों करनी पड़ी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चाहते हैं ना बिग बॉस 12 में लोग देखना, वो सेलिब्रिटीज कर नहीं रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज ओरिजिनली कैसे हैं। तो मैं इस बात में थोड़ा सा असहमत हूँ कि शायद ओरिजिनली वो ऐसे ही है कि एक दूसरे की साइड लेना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। बट एक्चुअली वो जो ऑडियंस चाहते हैं कि ओरिजिनली वो जैसे घर पे है वैसे ही यहाँ पे दिखे, बट वो ऐसे दिख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ महान बनने के कैटेगरी में है। हाँ बिल्कुल, वो एक दूसरे के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं जाऊंगा, मैं जले जाऊं, फिर हो गए नॉमिनेट। वही तो मैं बोलूं, अब मैं बाबा तो बोलूं। बोलो बोलो डियर, बोलो बाबा तो बा। यार चल कोई बात, गुलाटी तू चुप कर। हाँ मैडम बोलो। हाँ बाबा तो आपने ये गुलाटी को ये थोड़ा सा लाइन मारने की आदत का थोड़ा कंट्रोल करो, मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैं आपको रिस्पेक्ट थोड़ी सी दे देता हूँ तो लाइन मारता हूँ। ये रिस्पेक्ट जो श्रीशान दे रहे ना, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं दिखती, वो वाली मैं बोल लो। तो श्रीशान क्या रिस्पेक्ट देता? श्रीशान देता है रिस्पेक्ट, देता है ना। आज उसकी रिस्पेक्ट पे तो कितनी सारी उंगलियां खड़ी होगी कि ये वुमेन की रिस्पेक्ट को, वो वुमेन को कमजोर समझता है। मैं लेडी नहीं हूँ, मैं जेंट्स हूँ आपके सामने। हाँ यार चलो बाबा, तुम आगे चलाओ। मैं बाबा तो क्या, आप आगे चलो, मैं आपसे बहस नहीं, आपके मुंह नहीं लगना चाहता। बाबा तो गुलाटी साहब, मैडम बबीता, बात को आगे बढ़ाते हैं कि अच्छा हम लोग बात कर रहे थे सुरभि राणा के बारे में, वहां से शिफ्ट होके हम पहुंच गए कहाँ पे, श्रीशांत के ऊपर। चलो खैर कोई बात नहीं, हमने आज जो एपिसोड देखा उसमें काफी कुछ ऐसा था जैसे सलमान खान और गोविंदा के काफी अच्छे सीन्स थे जो लोगों को काफी एंटरटेन किया, जिन सीन्स ने उसमें लोगों को बड़ा मजा आया। और आप लोगों को आया कि नहीं मुझे बताओ। मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो उसका जो डांस है ना गोविंदा का, मैं डाई हार्टेड फैन हूँ। हंस लो, आपको डांस की डी नहीं आती ना इसमें? मुझे चाहिए भी नहीं डी। हाँ। पी कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। समझे आप? हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये बिग बॉस जैसे डांस वांस कर लेकर तो बॉडी तो पैसिव हो जाएगी। अरे बात तो सुन ले गुलाटी। हाँ यार गुलाटी, हाँ मैडम बैठ बोल गुलाटी। बाबा तो मुझे बताओ, ये गुलाटी साहब ने पड़ोस चेंज कर लिया आपका? और नहीं रहता तो उधर ही मिलता, कम है आजकल तो किसी और के पास जाता होगा, कैसे खा के आता है कुछ और ही जो आज जाके। हाँ जाता हूँ, आपको क्या, आप घर पे बुला लेगा तो नहीं जाऊंगा। मेरे में नहीं है ताकत आज आपसे लड़ाई करने की गुलाटी। अच्छा यार गुलाटी की बात में, मैं ये बोल
रहे बाबा तो गुलाटी साहब मैडम कि ये आज जो भी कुछ हुआ ना गोविंदा वाला ठीक था, मनोरंजन हुआ, बट इतना लंबा मनोरंजन मेरे को तो नहीं बढ़िया लगा। लोग बिग बॉस के घर के अंदर जाना चाहते ना कि वो तू मेरे पटने वो क्या था बकवास। हाँ यार, आधा एपिसोड तो इसी बात में ये लोग निकाल देते हैं। हाँ, मैं वैसे ये बात पे, हाँ चाहे मेरी दुश्मनी है बबीता मैडम, लेकिन इस बात पे मैं अग्री करता हूँ क्योंकि बहुत सारा एपिसोड खींच गए वो उसी चक्कर में। ऑडियंस ने कमेंट भी किया था कि हम ये सब देखने नहीं आते हैं इधर। हम लोग भाई कार वालों की क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई, वो देखने आते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा कम करो। सही बात है। और उसके बाद जो सलमान खान ने क्लास ली श्री शांत की, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। उनका जो क्लास लेने का जो तरीका था ना, वो ये था श्री शांत को एक्चुअली बोलने का कि श्री शांत अब थोड़ा गेम में सीरियस हो जाओ, ये जो भला मांस वाला नेचर है ना वो यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्चुअली वो उन्होंने बोला, एक्चुअली सलमान खान ने ये बोला कि मुरे को घर में पाई शांति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, कौन चाहिए, शांति नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए धूम धड़क्का बबीता मैडम जैसे बबीता और गुलाटी। तो धूम धड़क्का तो मिल ही रहा है, सुरभि राणा दे रही है, दीपक वो गंजा दे रहा है ना धूम धड़क्का। हाँ, तो यही बात सेलिब्रिटी को भी समझाने की कोशिश की कि वाह भैया ये नहीं करोगे तो निकल जाओगे घर से। आपको याद है मैडम, मैं एक बात बताऊंगा आपको। रिमी सेन तो रिमी सेन घर में आई थी तो उसको सलमान खान बोल थक गए ये समझा के। ये एपिसोड तो मुझे भी याद है। अगर आप घर में भाई शांति से ऐसे शांति का दूत बन गए तो आप अपने घर में रहो। बट मुझे भी याद, रिमी सेन ने बात नहीं सुनी किसी की। उसने बोला कि मैं बोल ही नहीं कुछ, उसने बोला जब जाना होगा चली जाऊंगी, निकाल दी अपनी इमेज नहीं खराब करूंगी। बट ये भी मैं तो उस चीज का अप्रिशिएट करती हूँ जो भी है। निकाल दी, मैं लेने के आई थी इधर, अप्रिशिएट करती हूँ, देख के आती बिग बॉस के बाकी एपिसोड। अच्छा, लेने घंटा ही थी उधर, घंटा ही लेने आई थी। लेके के घंटा आपको तकलीफ ले, तकलीफ बात लेने के आई थी उधर, मैंने चुप करके घूंगा सब बुला के बैठे थी, साल्टी मैंने निकाल दी तो बना क्या क्या फायदा हुआ उसका। हुआ ही होगा ना, आपको सब पता है रिमी सेन के बारे में, आपको क्या पता है। मेरे को पता है, आप ऐसे आपके पड़ोस में इतने मेरे को और यार ये आपका ना अपना अपनी गाजरे में आप और कहीं का कहीं पहुंच जाते हो यार। और मुझे ये चीज बताइए, आप यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हो, रिमी सेन की बात बाबा तो अपने की, मैंने भी बोला कि हाँ वो ऐसे करके निकली, उस पे क्या लड़ाई कर रहे हो आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैडम लड़ाई ये मैडम जो पपीता है ना, पता नहीं इसके आस पड़ोस से घर में क्या प्रॉब्लम है। आपको मैडम बबीता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं, आप कौन हो जो मेरे बारे में बोलोगे। मैं गुलाटी हूँ। हाँ तो गुलाटी के बारे में बोलो, समझे आप। ओके हाँ, मैं गुलाटी नहीं हूँ इसलिए मैं टाइम खराब नहीं करूंगी। मैं ये बोलती हूँ कि मुझे श्री शांत का जो एटीट्यूड है मुझे वो बुरा नहीं लगा, उसको अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको अभी ऐसे माहौल की आदत नहीं है, उसने देखा भी नहीं है बिग बॉस का एपिसोड। वो जो कहता है वो सच कहता है, वो कुछ झूठ नहीं बोल रहा है। ये लो खाम खा उसको तू तो सलमान खान ने समझाया था, समझा क्यों नहीं उसको, तीन बार समझा दे फिर लेडी को आपको बड़ी वो होती है। आप मेरे को ये चीज बताओ, आज उसने गले में प्रेशर कुकर का डाला कि नहीं, फट्टा डाला जो पहले उसने फट्टा डालने से मना किया था। वो तो डाल दिया जबरदस्ती उसको, ये नहीं बोला जबरदस्ती, मैडम इनको बोलो ये आंखें खोल के जबरदस्ती आप क्या बातें कर रहे हो। चल नहीं वो ठीक है, आखिर से तो श्री सर संभला है लेकिन धीरे धीरे थोड़ा और समझ जाएगा चीजें। गुलाटी ये बात सही है, वो इस शो का आदि नहीं है, उसको पता नहीं था। हाँ वो टीवी इंडस्ट्री का बंदा ही नहीं है, उसने जो भी किया वो उसने अगर किया भी होगा तो एड्स किए होंगे, फिल्म्स किए होंगे, उसने ऐसा नहीं किया वो। मैं भी आपसे सहमत हूँ मैडम अभिता, बट अभी विषय ये है कि अभी बिग बॉस के हाउस में आ तो गया श्री शांत, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो रिमी सेन की तरह वो भी बहुत जल्दी बाहर हो सकते हैं ये मुझे लगता है। और अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वो बिग बॉस का शो भी जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है। मुझे ये लगता है मैडम, यहाँ तक सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हुई पड़ी है, देखो जो हम लोग बात करते हैं ना कंटेंट की, क्योंकि बिग बॉस के घर में कंटेंट होता है, तो कंटेंट अभी तक दे रहे हैं जो चुप करो
हसी जाती है। यार गुलाटी कंसंट्रेट कर यार, कोई भी कोई कोई बनी मैडम पपीता अभी थोड़ा सा मैडम 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 चल मैं गुलाटी साहब को समझदारी की बातें करता सोच ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा चलो आज हम आज के एपिसोड में यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे कैसे खत्म करेंगे ये भी? मेरी बात सुनो पहले। चल ठीक है कल कल बताऊंगा, अभी तू भी करती नहीं। अब तो कंप्लीट कर गुलाटी, अब तो कंप्लीट कर, कल क्या बताएगा, कंप्लीट कर अभी तू। अब मैं ये बात बोल रहा आपके लिए मजाक भी हो सकती है कि ये जो जो कंटेंट बातें ही देते हैं जो जोड़ियां ही देती हैं तो ये तो ये दीपिका तो इसी चक्कर में रह जाती है कि श्री शांत हो जाओ श्री शांत हो जाओ, वो श्री को शांत कराने में लग रहती है तो ये कर क्या रही है, इसलिए कंटेंट जो है बिग बॉस में अभी तक तो कॉमनर्स ही दे रहे हैं मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि दीपक कंटेंट दे रहा है, वो टकला शैतान कंटेंट ही है और जो जो शोर मचाते हैं झगड़ा करते बिग बॉस में और क्या चाहिए। चलो ठीक है ये बात उलाटे साहब की मैं मान लेती हूँ, क्योंकि बिग बॉस में गर्मी चाहिए, गर्मी जो है वो सब जो दे रहे हैं वो लाइमलाइट में है चाहे नेगेटिवली हो, तो ये बात उलाटे साहब की मैं मान लेती हूँ। और आप दर्शकों का इस बारे में क्या राय है कि आज जो हमने एपिसोड देखा जो वीकेंड का वार सैटरडे का था उसमें जो सलमान खान ने पॉइंट्स उठाए वो क्या सही थे या आपकी नजर में कुछ और भी पॉइंट्स होने चाहिए थे, जैसे काफी सारे दर्शकों का इमीडिएट रिएक्शन था कि सुरभि राणा को कुछ नहीं कहा सलमान खान ने, तो ये आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अपने वीडियोस अगर आप भेजना चाहते हैं, अपने ऑडियो मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पे आप भेज सकते हैं, और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल देखते रहें हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल, लव यू ऑल। चुप कर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.